नमस्कार, बहुत स्वागत आप तमाम दर्शकों का प्रदेश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 टाइम, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बांग्लादेश से मिल रही खबर के साथ। बांग्लादेश में इस वक्त गृह युद्ध जैसी स्थिति है और ये स्थितियां 50 साल में दूसरी बार बनती हुई दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही शेख हसीना को देश छोड़कर के भागना पड़ा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और इस बीच वहां बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी है और हिंसा भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि 50 साल पहले 1975 में कम्युनिस्ट आंदोलन की वजह से शेख हसीना की सत्ता पलट गई थी और सेना ने इसी साल शेख मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। लेकिन शेख हसीना और उनकी बहन रिहाना बच गई क्योंकि वे उस वक्त जर्मनी में थी। और हिंसा के बाद बांग्लादेश पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। देश छोड़कर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची हैं। ब्रिटेन, फिनलैंड या फिर स्विट्जरलैंड में राजनीतिक शरण ले सकती हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश का आरक्षण आंदोलन इतिहास में दर्ज हो गया है क्योंकि इस आंदोलन ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया। ऐसे में बांग्लादेश में चल रहा आरक्षण आंदोलन शुरू क्यों हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में आरक्षण की कहानी 1971 से शुरू होती है। ये वो साल था जब मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी मिली। एक साल बाद 1972 में बांग्लादेश की सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की व्यवस्था की। 1972 से जारी आरक्षण व्यवस्था में अनारक्षित कोटा 44% रखा गया। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को 30% आरक्षण दिया गया। पिछड़े जिले से आने वाले लोगों को 10%, महिलाओं को 10%, धार्मिक अल्पसंख्यकों को 5% और दिव्यांगों को 1% कोटा दिया गया। 1972 से जारी आरक्षण व्यवस्था को 2018 में सरकार ने समाप्त कर दिया था। सरकार के इन दोनों फैसलों का बांग्लादेश की जनता ने दिल खोलकर स्वागत किया। लेकिन बांग्लादेश में भूचाल 2 महीने पहले आया जब जून में हाई कोर्ट ने सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण प्रणाली को फिर से बहाल कर दिया। यही नहीं, कोर्ट ने 2018 में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करने के सरकार के फैसले को भी गैर कानूनी बताया। इस अदालती फैसले के बाद देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सरकार की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को निलंबित कर दिया। मामले ने तूल और तब पकड़ लिया जब प्रधानमंत्री हसीना ने अदालती कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया। सरकार के इस कदम के चलते छात्रों ने अपना विरोध तेज कर दिया। प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनकारियों को रजाकार की संज्ञा दी। बांग्लादेश में रजाकार उन्हें कहा जाता है जिन पर 1971 में देश के साथ विश्वासघात करके पाकिस्तानी सेना का साथ देने का आरोप लगा था। जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत सभी सिविल सेवा नौकरियों के लिए दोबारा आरक्षण लागू कर दिया गया था। अपने फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की एक नई व्यवस्था दी जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए अब केवल 5% नौकरियां आरक्षित होंगी। इसके अलावा 2% नौकरियां अल्पसंख्यकों या दिव्यांगों के लिए आरक्षित होंगी। वहीं बाकी बचे पदों के लिए अदालत ने कहा कि ये योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले होंगे, यानी 93% भर्तियां अनारक्षित कोटे से होंगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आंदोलन और भी तेज हो गया क्योंकि बात अब आरक्षण खत्म करने की मांग से कहीं आगे निकल चुकी थी। छात्र संगठन और शेख हसीना सरकार आमने सामने थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आतंकी करार दे दिया।
तो छात्र संगठनों का आरोप था कि सरकार ने अपने समर्थकों को खुश करने के लिए 30% आरक्षण व्यवस्था को कानून के रास्ते लागू करने की साजिश रची। इसके बाद से ही छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। नतीजा ये रहा कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर सुरक्षा के लिए देश छोड़कर जाना पड़ा। तो वहीं मोदी सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़ा बदलाव करने जा रही है और संसद के मौजूदा सत्र में ही इस विधेयक को संसद में लाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 7 या 8 अगस्त को यह बिल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड के पास देश भर में कितनी संपत्तियां हैं, सरकार नया बिल क्यों लाने जा रही है, नए बिल की मांग क्यों की जा रही है, सब कुछ बताने से पहले आपको बताते हैं आखिर नए बिल से क्या कुछ बदलने वाला है। जो संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करें तभी तो आगे बढ़ेंगे। दुनिया के 50 देशों की जितनी जमीन है उतना जमीन भारत में वक्फ बोर्ड के पास है। ये लोग सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये भी एक परंपरा ठीक नहीं। बड़े बड़े 20 लैंड भूखंड दे दिए जा रहे हैं। ये भी घोटाला है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर क्या कानूनी बुलडोजर चलाने वाली है? देश की राजनीति में ये सवाल साइक्लोन बनकर इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों पर कैंची चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार बोर्ड के अधिकारों में 40 संशोधन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड अधिनियम में करीब 40 संशोधन कर सकती है और इसके लिए विधेयक को 2 अगस्त यानी शुक्रवार को ही मंजूरी दी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक विधेयक में वक्फ बोर्ड को बेहिसाब ताकत देने वाली कुछ धाराएं निरस्त की जा सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी कटौती उस अधिकार में होगी जो वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार देता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए सरकार इसी हफ्ते राज्यसभा में बिल ला सकती है और खबर ये भी है कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन से पहले सरकार ने कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ बोर्ड्स के सदस्यों से भी बात की है। इस बिल को लेकर अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि पारदर्शी व्यवस्था के लिए इस बिल का आना जरूरी है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। अगर आप एरिया वाइज देखिए तो भारत में दुनिया में 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल भारत के वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उससे कम है। ये बहुत ही खतरनाक है। ये पहली बात तो पूरी तरीके से भेदभाव करता है। जब भारत में हमने सेकुलर शब्द जोड़ दिया तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, ये राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, वन नेशन वन लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसके बिल्कुल खिलाफ है। संविधान का मतलब होता है समविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। वक्फ बोर्ड जैसा विधान और किसी के लिए नहीं है, इसलिए इसको पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए। ये जो है इसमें सबसे अधिक जो पीड़ित है वो गरीब मुसलमान है क्योंकि इसमें प्रभावशाली लोग हैं। ये एक्ट आएगा तो उसका सत्यापन होगा, सत्यापन होने के बाद ही आप उसको ले सकेंगे। अभी वक्फ जमीन इतने खपले हैं, माफियागिरी है, वो समाप्त होगी। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर कटौती की खबर से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से लेकर विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त खलबली है। मुस्लिम बोर्ड कह चुका है कि ये मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार RSS के एजेंडे पर चल रही है और सरकार की नजर मस्जिदों और दरगाहों की जमीन पर है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों ने भी कहा है कि ये मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। बदलाव के पीछे जो मंशा है, जो जाहिर की गई है, वो ये है कि हम वक्फ प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन करेंगे। कोई वक्फ बोर्ड के कहने से कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है मान नहीं लिया जाएगा। देखिए, असल में ये वक्फ जो होता है ज़मीन किसी भी काम के लिए, चाहे वो रिलीजियस पर्पस के लिए हो या चैरिटी के लिए हो,
वो कोई आदमी करता है, कोई फर्द करता है, कोई खानदान करता है। देखिए, जिस तरह के सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरह की इनकी कार्य प्रणाली रही, सबको इनके हर हरकतों से सबको संदेह होता है। इसलिए सरकार को पहली बात इस बात को सदन के अंदर ही कहनी चाहिए, बाहर मंत्री लोग बोलते हैं ये भी एक परंपरा ठीक नहीं है। जब बिल आ जाएगा विस्तार से तो हम इस पर चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर ये भी है कि संशोधन की लिस्ट में ऐसा संशोधन भी है जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ पुराने विवादों की फिर से सुनवाई का रास्ता भी खुल सकता है। वक्फ बोर्ड पर आरोप है कि पिछली सरकारों में मिली असीमित शक्तियों की वजह से वक्फ बोर्ड ने कानून के खिलाफ मंदिर गुरुद्वारों की जमीन पर कब्जा किया। आम आदमियों की जमीन से लेकर गांवों की जमीन पर भी वक्फ संपत्ति का बोर्ड लगा दिया। सूत्रों के मुताबिक वक्फ की ऐसी ही मनमानियों पर सरकार संशोधन वाला ब्रेक लगाने जा रही है। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के लैंड और लव जिहाद को लेकर दो नए कानून बनाने के ऐलान पर हंगामा बरपा है। हेमंत बिस्वा सरमा के ऐलान किया गया उनकी तरफ से कि अब नए कानून के मुताबिक असम में जमीन खरीदने से पहले सरकार से अनुमति लेना जरूरी होगा और साथ ही लव जिहाद करने वालों को उम्र कैद की सजा मिलेगी। रिपोर्ट देखिए। ইলেকশন সময়ত আমি লাভ জেহাদৰ কথা কৈছোঁ। অসমত আমি অহা কিছুদিনৰ ভিতৰতে এখন নতুন আইন আনিম য'ত নেকি লাভ জেহাদৰ কাৰাদণ্ড আজীৱন কাৰাদণ্ডলৈ আমি ৰূপান্তৰ কৰিম। আগতে ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়ন মাটি ট্ৰান্সফাৰ হৈছিল, হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিছিল, মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিছিল। সীমা দেশত আমি বাধা দিব নোৱাৰো, কিন্তু অসম চৰকাৰে নতুনকৈ সিদ্ধান্ত লৈছে যে এজন হিন্দুৰ মাটি মুছলমানে কিনিবৰ বাবে আৰু এজন মুছলমানৰ মাটি হিন্দুৱে কিনিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন লোৱাৰ পিছতহে লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যন হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অনুমোদন লোৱাৰ পিছতহে লেণ্ড চেল পাৰ্মিশ্যন ল'ব পাৰিব। असम में लव जिहाद पर योगी मॉडल लागू होने वाला है। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है। योगी के बाद हेमंत बिस्व सरमा लव जिहाद रोकेंगे। ये ने कर दिया तो भी कैसे पीछे रहे, तो भी कोई जिहाद करना है। हेमंत सरकार तैयार लव और लैंड जिहाद पर प्रहार। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा के ऐलान के साथ ही विपक्षी दलों ने विरोध का झंडा बुलंद कर लिया है। देश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर पहले से ही चल रहे तूफान के बीच हेमंत बिस्वा सरमा ने लव जिहाद और लैंड जिहाद पर असम में नया कानून लाने की घोषणा कर दी है। असम में जो कानून लाने की तैयारी की जा रही है उसमें लव जिहाद, अंतर धार्मिक जमीनों की खरीद फरोख और नई डोमिसाइल नीति पर फोकस किया गया है। असम में जमीनों की खरीद बिक्री पर नई नीति लाई जाएगी। अंतर धार्मिक जमीनों का सौदा राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही हो सकेगा, यानी किसी एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म के व्यक्ति की जमीन खरीदने या बेचने से पहले सरकार से इजाजत लेनी होगी। हेमंत बिस्वा सरमा ने ये भी साफ कर दिया कि राज्य में लव जिहाद के मामलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए कानून के मुताबिक लव जिहाद के आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। लव जिहाद में शामिल आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो सकती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए नई डोमिसाइल नीति बनाने का भी ऐलान किया है। इस नीति के मुताबिक नई नीति से असम में पैदा हुए लोगों के अधिकार सुरक्षित होंगे। अब असम में पैदा हुए लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकेगी। असम गवर्नमेंट आफ्टर एग्जामिनिंग वेरियस केसेस व्हिच वी हैव सीन इन लास्ट 3-5 years, we are going to draft a legislation which will give stinging punishment for the cases where you hide your identity, you lure a girl to marriage, and in the process you destroy the trust of the girl.
हेमंत बिस्व शर्मा के इस ऐलान के साथ ही विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक ने हेमंता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष के मुताबिक हेमंता का ऐलान देश को बांटने वाला है। हनी ट्रैप आप करवाएंगे फिर इसका मतलब लोगों से, और उसके बाद उम्र कैद करा देंगे। कोई भी इल्जाम कैसी भी लगा सकता है, इसका कितना जबरदस्त मिसयूज होगा। ये ने कर दिया तो अभी कैसे पीछे रहे, इसको भी कोई ना कोई जिहाद करना है। बाढ़ आई हुई आसाम में उसको पहले बांग्लादेश बगल में उसके डिस्टर्बेंस की कीमत चुका रहा है आसाम, उससे निपटो। काम कुछ नहीं करेगा, सिर्फ लफ्फाजी। केंद्र सरकार के वक्फ कानून में संशोधन के फैसले पर पहले ही विवाद गरमाया हुआ है। ऐसे में हेमंता बिस्व शर्मा ने असम में लव और लैंड जिहाद पर कानून बनाने का ऐलान कर विपक्ष को एक और मुद्दा दे दिया है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में संसद के अंदर और बाहर लगातार सुनाई देगी। तो चलिए अब बात एक बार फिर से बांग्लादेश की, क्योंकि वहां पर तख्ता पलट हो गया है। अवामी लीग के नेता के होटल में आगजनी, बांग्लादेश में आज आगजनी हुई जहां पर 8 लोगों की मौत हुई। ये सबसे बड़ी खबर। तो आज देर रात लंदन रवाना हो सकती है शेख हसीना। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। बांग्लादेश में तख्ता पलट की सूचना है। अवामी लीग के नेता के होटल में आगजनी भी की गई और बांग्लादेश में आज आगजनी में 8 लोगों की मौत हो गई। खबर ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि आज देर रात तक लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं शेख हसीना। फिलहाल भारत में गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना उतरी थी। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज देर रात तक लंदन के लिए रवाना हो सकती हैं शेख हसीना। तो वहीं अयोध्या गैंगरेप की घटना में समाजवादी पार्टी चारों तरफ से घिर चुकी है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, आखिरकार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आरोपी मोईद को आखिर क्यों बचाया जा रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव के साथ अवधेश प्रसाद भी अब डीएनए की मांग पर अडिग हैं। यहां तक इस मांग को लेकर अखिलेश को अब कांग्रेस का भी साथ मिल चुका है। यानी एक तरफ बीजेपी आरोपी मोईद पर सख्त एक्शन की बात कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अब भी मोईद को पार्टी में बनाए रखना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। हमें उस बालिका की भविष्य की चिंता है और अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता है। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है। डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो। समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडई की है, बोले वाले लोगों का हत्या किया है। डीएनए टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। अयोध्या का गैंगरेप कांड, जिसका आरोपी समाजवादी पार्टी का एक्टिव नेता है, जिसका कनेक्शन समाजवादी पार्टी के अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद से है, उस पार्टी पर आरोपी मोईद को बचाने का आरोप लगा है। बहुत सहमी हुई है, बहुत डरी हुई है और निश्चित तौर पर एक मत्स्य कन्या का शील हरण हुआ है और इस मत्स्य कन्या के शील हरण को बर्दाश्त नहीं करेगी पार्टी। ये पार्टी ने उनको आश्वस्त किया है। हमें उस बालिका की भविष्य की चिंता है और अखिलेश यादव को अपने वोट की चिंता है। अयोध्या कांड के बाद योगी सरकार पूरे एक्शन में है, तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पोस्टर वॉर हो रहे हैं और डीएनए टेस्ट की मांग पर निशाना साधा जा रहा है। अयोध्या कांड में सियासी बयानबाजी के बीच जहां अवधेश प्रसाद के पास सफाई देने के अलावा कुछ नहीं बचा, तो वहीं समाजवादी पार्टी को अब कांग्रेस का साथ मिल गया है। जो भी आरोपी है, जो भी कल्प्रिट है, उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। पार्टी बता रहे, बात बता रहे। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है। ये राजनीति का विषय नहीं, शुद्ध अपराधी विषय।
सर अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग की है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अनुभवशील हैं, अब उन्होंने जो भी कहा होगा सोच समझ कर कहा होगा, उनके पास कोई स्रोत होगा, तो वो उन्होंने डीएनए टेस्ट की अगर बात की है, कानून अगर हो सकता है, नार्को टेस्ट हो सकता है तो होना चाहिए। डीएनए टेस्ट, नार्को टेस्ट की राजनीति पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा हमला किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में गुंडागर्दी है और ये पार्टी बलात्कारियों को संरक्षण देती आई है। हालांकि अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग पर अडिग हैं। जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है, ये कानून किसका संशोधित है, ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा, और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है। जो गुंडेपन पे है, जो असामाजिक तत्व पन पे है, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे बलिया हो चाहे अयोध्या हो, घटनाओं ने ये मन झकझोर करके रख दिया है, जितनी निंदा की जाए कम है, और समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है, और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है, हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे। चूंकि अयोध्या हमेशा से सियासत के केंद्र में रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने ऊपर लगे दाग को मिटाने की कोशिश में है। बहरहाल सवाल ये उठ रहे हैं कि मोहित खान के खिलाफ समाजवादी पार्टी अब तक एक्शन क्यों नहीं ले पाई, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन अब तक पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिला, क्या डीएनए की मांग से इस केस को उलझाने की कोशिश हो रही है। ये सवाल भले ही बीजेपी की तरफ से उठाए गए हों, लेकिन जवाब समाजवादी पार्टी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और करेंगे जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। अनिल चोपड़ा की ओर से हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव की मतगणना के खिलाफ ये याचिका दाखिल की गई। भाजपा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को विजयी घोषित करने को चुनौती दी गई है। कोर्ट में याचिका पर 13 अगस्त को हाईकोर्ट के एकल पीठ में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत में सुनवाई होनी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस के प्रत्याशी रहे लोकसभा चुनाव में अनिल चोपड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अनिल चोपड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव की मतगणना के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह को विजयी घोषित करने पर चुनौती दी गई है। याचिका पर 13 अगस्त को हाईकोर्ट एकल पीठ में सुनवाई होनी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, अनिल चोपड़ा की याचिका पर हाईकोर्ट में जस्टिस उमाशंकर व्यास की अदालत में सुनवाई होगी। और इससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर के जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला था परिणामों पर, और अब आखिरकार जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राकेश शर्मा फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का जब परिणाम जारी किया जा रहा था तो बहुत कम अंतरों से हार जीत का ये मामला रहा था, और उस समय जो हार जीत को लेकर विवाद भी हुआ था, लेकिन तत्कालीन जो उस समय प्रशासन ने इस मामले को समेट करके और शांत करवा दिया था। लेकिन अब जो कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी हैं अनिल चोपड़ा, उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, और इस याचिका को हाईकोर्ट ने आज इसमें जो जस्टिस उमाशंकर व्यास की जो एकल पीठ है वहां पर याचिका लगी है, और इसमें जो अनिल चोपड़ा है उसने आरोप लगाए हैं कि चुनाव परिणाम जो जारी किया गया है वो गलत है, उसमें कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे वहाँ निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी उनकी मिलीभगत थी, और चुनाव परिणाम को
रद्द करके ईवीएम सहित पोस्टल बैलेटों की पुनर्मतगणना की मांग इसमें की गई है। साथ ही मतगणना स्थल के सीसीटीवी फुटेज व अन्य ऐसे जो सबूत हैं उनको भी इसमें शामिल करने की जांच में शामिल करने की मांग की गई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। राव राजेंद्र सिंह 1615 वोटों से मैच जीते थे और इसी को लेकर के अब सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस पार्टी।